वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं 1980 में आई फ्राइडे द 13th मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। वेल, ये एक अमेरिकन स्लेजर हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है सैन कमिनिगम ने। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी की रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टोमेटो पे इट्स इंटरेस्टिंग 62% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 22 out of 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर एक्सप्लेन करेंगे फ्राइडे द 13 मूवी को। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं डायरेक्ट मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है एनी और ये अपनी कैंपिंग के लिए कैंप क्रिस्टल लेक जा रही होती है, बट इसको उस जगह का एड्रेस पता नहीं होता। तो ये उस टाउन की एक शॉप में जाकर उसी जगह का एड्रेस पूछती हैं। तो उस शॉप के अंदर बैठा एक आदमी एनी को उसी जगह जाने के लिए लिफ्ट देता है। तो अब लिफ्ट देते दौरान वही आदमी एनी को उस जगह पर जाने के लिए मना करता है और उस जगह से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में उसको बताता है, जिसमें उसका कहना होता है कि वहाँ पे सन 1958 में यानी कि कैंप क्रिस्टल लेक में दो बच्चों का उसी जगह पर खून हो गया था और सन 1957 में एक लड़का वहाँ पर डूबकर मर गया था और किसी को भी आज तक ये नहीं पता कि ये खून किसने किए थे। बट दूसरी ओर एनी उस आदमी की कही बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती और इसी बातचीत के बीच में एमी का स्टॉप आ जाता है और वो आदमी एमी को अब लिफ्ट देकर आगे की ओर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमको कुछ टीनेजर्स को दिखाते हैं और ये सब भी मिलकर कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ ही जा रहे होते हैं और ये भी वहाँ जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज इन्होंने ही कैंप क्रिस्टल लेक को अपने समर वेकेशन को एक्साइटेड बनाने के लिए 2 हफ्तों की छुट्टियों के लिए उसको बुक कराया था। तो अब कैंप क्रिस्टल लेक पहुँचते ही उस जगह के ओनर स्टीव क्रिस्टी और एलिस जैक मर्सी और बिल को अपने कैंप का एक टूर करवाते हैं। दूसरी तरफ एनी अभी भी कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ जा रही होती है, तभी उसको पीछे से अचानक से एक जीप आती हुई दिखाई देती है और वो उस आदमी से भी क्रिस्टल लेक जाने के लिए लिफ्ट मांगती है। तो अब उस जीप में बैठती ही एमी एक चीज नोटिस करती है कि वो कैंप क्रिस्टल लेक से काफी आगे की ओर आ चुकी है। अब एमी को जैसे ही ये पता चलता है वो उस आदमी को अपनी जीप रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बट वो आदमी अपनी जीप को नहीं रोकता है। तो अब एमी इस मोमेंट को देखते हुए उस आदमी की चलती जीप से कूद जाती हैं और जंगल की तरफ भागने लगती हैं। बट उस जीप से छलांग लगाते वक्त एमी काफी इंजर्ड हो गई थी, तो इसी कारण से वो आदमी एमी को काफी आसानी से पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसको बीच जंगल में ही मार डालता है। अब दूसरी ओर कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ वही टीनेजर ग्रुप अपने एंजॉयमेंट के लिए वहाँ की रिवर में चिल आउट कर रहे होते हैं, तभी अचानक से हमको उसी आदमी का हाथ देखने को मिलता है जिसने कुछ ही देर पहले एनी को जंगल में उसका गला काट कर उसको मारा था और अब वो यहाँ पर आकर इन सभी के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। अब मूवी थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती है जिसमें एलिस इन सभी के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही होती है, तभी उस किचन की स्टोर में एक वियर्ड आदमी आकर इन सभी को इस जगह से जाने के लिए कहता है, जिसमे इस आदमी का कहना होता है कि इस जगह पर मौत का श्राप है, कि जो भी आज तक इस जगह पर आया है वो कभी भी जिंदा नहीं गया है और इसलिए मैं तुम सभी को वार्निंग देने के लिए आया हूँ। बट दूसरी ओर ये टीनेजर्स इस आदमी की बात को मजाक में लेते हुए उसको अपने कैंप से बाहर जाने के लिए कहते हैं। अब उसी दिन शाम को उधर एक जोरदार तूफान आता है, तो अब इस तूफान को देखते हुए तो ब्रेंडा मर्सी और बिल अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए कुछ कार्ड गेम्स खेल रहे होते हैं इन द होप कि जैक और मर्सी फिर से कैंप की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि ये दोनों मेकआउट करने के लिए पास के दूसरे कैंप में बिना बताए गए थे।
बट इनको पता नहीं था कि उसी कैम्प के अंदर नेट की डेड बॉडी भी मौजूद थी, जिसको सैम एमी की तरह गला काटकर मार रखा था। खैर, अब मेकआउट करने के बाद मर्सी फ्रेश होने के लिए उसी कैम्प के वॉशरूम में जाती है। तो अब जैक मर्सी का इंतजार करने के लिए उसी जगह पर वेट करता है, तभी अचानक से उसके बेड के नीचे से कोई उसके गले पर नाइफ से अटैक कर देता है। एंड दैट सीन वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग। और दूसरी तरफ जहां मर्सी उस कैंप के वॉशरूम को यूज करने के लिए गई थी, वहां पर उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जस्ट लाइक कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। तो इसी रीजन से वो वहां के वॉशरूम को चेकआउट करने लगती ही है, तभी कोई पीछे से आकर उसके सर के ऊपर कोई कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, जिसके कारण से वो भी मर जाती है। अब दूसरी ओर ब्रेंडा, मर्सी और बिल जैक और मर्सी का वेट करने के लिए कार्ड गेम्स खेल रहे थे, इन द होप कि ये दोनों फिर से कैंप के अंदर आएंगे, बट वो दोनों नहीं आ पाते और इसका रीजन आप सभी जान चुके हो। तो अब ब्रेंडा उन दोनों का इंतजार करते हुए थक चुकी थी, और इसलिए वो बिल और एलिस से बीच में ही ये गेम छोड़ने के लिए कहती है, बिकॉज वो थक चुकी थी और अपने कैंप में जाकर सोना चाहती थी। तो अब बिल और एलिस ब्रेंडा की इस बात से एग्री होते हुए उस गेम को खेलना वहीं छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ब्रेंडा अपने रूम में सोने के लिए आती है, तभी उसको अपने रूम की विंडो के बाहर से किसी की हेल्प की चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब ब्रेंडा उस आवाज को फॉलो करते करते अपने रूम से बाहर निकल जाती है और एक आर्चरी ग्राउंड में आ जाती है। और तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमको ब्रेंडा की भी चिल्लाने की आवाज आती है। दूसरी तरफ एलिस नेट को इसी मोमेंट के बारे में उसको बताती है कि उसने अभी किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और उसको पक्का पता था कि यह आवाज ब्रेंडा की ही हो सकती है, क्योंकि उसके चिल्लाने की आवाज उसी आर्चरी ग्राउंड से आई थी। तो अब इस बात को फिगर आउट करने के लिए नेट और एलिस दोनों वहां जाकर ब्रेंडा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब ब्रेंडा के रूम पर जाते ही उनको उसके बेड पर एक खून से लथपथ कुल्हाड़ी मिलती है, और अब ये दोनों इस इंसिडेंट को देखते ही काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब नेट और एलिस जैक और मर्सी के केबिन में जाकर उनको इसी इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो दोनों वहाँ नहीं मिलते। तो अब ये दोनों जाकर पास के उसी वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर थोड़ी देर पहले मर्सी की डेथ हुई थी, बट अब नेट और एलिस को वो सब लोग यहाँ भी नहीं मिलते। तो अब ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कार लेकर हेल्प के लिए टाउन में जाएंगे, बट अब अनफॉर्चुनेटली उनकी कार भी काम नहीं कर पा रही थी, तो वो फिर से अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। तो अब केबिन के अंदर आते ही नेट और एलिस एक बार नोटिस करते हैं कि उस केबिन की लाइट्स नहीं आ रही थी। तो अब नेट केबिन की लाइट्स चालू करने के लिए जनरेटर के पास जाता है जहाँ पर वो मौजूद था। अब दूसरी तरफ एलिस अपने और नेट के लिए चाय बना रही होती है, बट उसको मन ही मन नेट के लिए कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी, तो वो उस चाय को बीच में ही छोड़ उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। तो अब एलिस जैसे ही उस जनरेटर रूम के पास पहुंचती है, तो उसको वहां नेट की डेड बॉडी उसी जनरेटर रूम की डोर से लटकी हुई मिलती है। अब एलिस जैसे ही इस मोमेंट को देखती है, वो डर कर फिर से अपने केबिन की तरफ आ जाती है। अब केबिन में आने के बाद एलिस उस केबिन के मेन डोर को एक रस्सी से बांध देती है, और उस डोर के आगे कुछ टेबल्स और चेयर्स रख देती है, जिससे कि वो डोर किसी भी कंडीशन में ना खुले। अब जैसे ही एलिस अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करती ही है, तभी उस केबिन की विंडो से कोई ब्रेंडा की डेड बॉडी चेयर से बांधकर बाहर से अंदर की ओर फेंक देता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर एलिस काफी डर जाती है, और वो दूसरे रूम में आकर उस रूम की विंडो के बाहर से देखने की कोशिश करती ही है, तभी वहां पर वही जीप आ जाती है जिस जीप के अंदर एमी का किलर था, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो अब उस जीप को देखते ही एलिस फिर से उस बंद करे डोर को खोलने की कोशिश करती है, जिसको उसने अपने हाथों से बंद किया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि उस जीप के अंदर बैठा आदमी उसका दोस्त स्टीव क्रिस्टी है, जो किसी काम से उस शहर से बाहर गया हुआ था। तो अब जैसे ही एलिस उस केबिन के डोर को खोलते ही उस जीप की तरफ भागने की कोशिश करती है, तभी उस जीप में से अचानक से एक औरत बाहर निकलती है, जिसका नाम था वोरिस, और इसी ने ही उन सबको मारा था। तो अब मिस वोरिस एलिस को झूठ बोलते हुए उसको कहती है कि मैं स्टीव की फ्रेंड हूँ। तो अब एलिस जैसे ही इस बात को सुनती है, वो मिसेस वोरिस को अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में बताती है कि किसी ने उनको मार डाला है। अब मिस वोरिस जैसे ही एलिस की इस बात को सुनती है, वो एलिस को अपने साथ उस केबिन में चलने के लिए कहती है। तो अब केबिन के अंदर आते ही मिस वोरिस ब्रेंडा की डेड बॉडी को देखकर एलिस को कैम्प क्रिस्टल लेक के बारे में पास्ट के अपने कुछ इंसिडेंट्स उसको बताती हैं कि आज से ठीक एक साल पहले
इसी कैंप की रिवर में एक बच्चा डूबकर मर गया था और किसी ने भी उसकी जान नहीं बचाई और उस बच्चे का नाम जैसन था और वो मेरा बेटा था जिसका आज जन्मदिन है। अब मिस वरी जैसन की डेथ को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और वो एलिस की तरफ अचानक से एक बड़े से मसेटी को लेकर उसके तरफ अटैक करने के लिए जाती है। तो एलिस अपने डिफेंस के लिए मिस वरिस के ऊपर फायर स्टिक से अटैक कर देती है और उस केबिन से भागकर पास के एक स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। अब दूसरी तरफ मिस वरिस वो भी एलिस का अब पीछा करते करते वो भी उसी स्टोर रूम के अंदर आ जाती है और वो फिर से एलिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बट एलिस इस बार भी मिस वरिस के ऊपर अटैक कर वहाँ से भाग जाती है। अब मिस वरिस के ऊपर अटैक करने के बाद एलिस रिवर के किनारे पर जाकर बैठ जाती है, तभी मिस वरिस उसका फिर से पीछा करते करते वहाँ तक आ जाती है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, बट एलिस दिस टाइम वहीं पास में पड़ी एक मसेटी को देखकर उन पर अटैक कर देती है जिसके कारण से वो मिस वरिस का सर उनके धड़ से अलग कर देती है और वो वहीं मर जाती है। और बस ये मूवी एक कॉम्प्लिकेटेड वे में इधर ही एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में इस मूवी का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।